अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पालक के साग की रेसिपी दिखाने जा रही हूँ। पहले हम पालक लेंगे, उसको अच्छे से वॉश कर लेंगे, देन हम दाल लेंगे और दाल को भी अच्छे से वॉश कर लेंगे। फिर हम कुकर में डालेंगे दोनों को, पालक को और दाल को। उसके बाद हम उसमें नमक को ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे एंड देन उसमें सीटियाँ लगा देंगे। 5 से 6 सीटियाँ आने के बाद हम उसको अच्छे से बॉयल कर लेंगे। फिर हम लहसुन लेंगे, मिर्च लेंगे, अदरक लेंगे और टमाटर लेंगे। तो हम उसको फिर मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे, तीन चारों चीज़ों को अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। अब जब अच्छे से पिस जाएगा उसके बाद हम एक बोल में आटा लेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम अपने बॉयल साग में जो हमारा पिसा हुआ सामान है उस टमाटर, मिर्च, अदरक, लहसुन उसको ऐड करेंगे। देन हम अपने आटा जो हमने मिक्स किया है उसको ऐड कर लेंगे, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देन उसके बाद हम उसे बघार करेंगे घी का, बटर का मैंने बघार किया है, आप और नॉर्मल घी का भी कर सकते हैं। अच्छे से बघार करेंगे और उसमें साग में हम डाल देंगे। तो बघार के बाद गाइस हमारा साग हो चुका है रेडी और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था गाइस, इट्स लुक लाइक वेरी टेस्टी। अब बस हम इसे सर्व करेंगे एंड देन इसे खाएंगे। तो गाइस ये बहुत ही टेस्टी था खाने में भी, आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इट्स अ वेरी इजी रेसिपी फॉर यू।